घायल अवस्था व बीमारी की हालत में जीवनदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 हिमाचल प्रदेश में खुद बीमार पड़ी है। जगह जगह ये एम्बुलेंसें खराब होने के चलते खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये बात सच है कि लोगों को जिंदगी व मौत के रास्ते के बीच जिंदगी देने वाली 108 एम्बुलेंस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। लोगों को जिंदगी व मौत के रास्ते के बीच जिंदगी देने वाली 108 एम्बुलेंस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। दरअसल देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन सोलन ने सबसे बेहतर एम्बुलेंस भेजी, पर इन तस्वीरों के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े आदमी की सुरक्षा में भेजी गई एम्बुलेंस भी अपने सहारे नहीं चल रही थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में तैनात एम्बुलेंस को राष्ट्रपति के काफिले के साथ चलना था, लेकिन ये एम्बुलेंस धक्का मारकर स्टार्ट करनी पड़ी। उतनी देर में राष्ट्रपति हवा में उड़ चुके थे। इससे साफ होता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 की स्थिति कैसी है। कंपनी इन एम्बुलेंस को धक्के से चला रही है, जो आम आदमी की सेहत से सीधा सीधा खिलवाड़ है। जब राष्ट्रपति जैसी महान शख्सियत के लिए सबसे बढ़िया एम्बुलेंस की ये हाल है, तो आम मरीजों के लिए जाने वाली एम्बुलेंस की स्थिति को सहज ही समझा जा सकता है। इस बारे में जब 108 के शिमला जोन प्रभारी आकाशदीप से दूरभाष पर बात की गई, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी ओर से काफिले में बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की गई थी और सबसे बेहतर गाड़ी को राष्ट्रपति के काफिले के साथ भेजा गया था। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के दरोच से बात की, तो उन्होंने बताया कि जिला सोलन में कुल 18 108 एम्बुलेंस है, जो जिला के विभिन्न शहरों में कार्य कर रही है। उन्होंने एम्बुलेंस की बदहाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि उनके ध्यान में ये बात नहीं थी और जब कमी उजागर हुई है तो तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा और कंपनी से इसकी सही देख रेख करवाई जाएगी। सोलन में सारी जितनी 108 हैं, 18 108 हैं, दीक वाली 108 थी, उन सभी को हमने जो है वो निर्देश दिए हुए थे कि समय पड़ने पर उनको जो है बुलाया जा सकता है। अदरवाइज जो आज के दिन अपने अपने स्थान पर ही ड्यूटीज दे रहे थे, इसके बारे में जो है वो कंप्लेन करेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई हायर अथॉरिटीज की तरफ से होगी। 2010 में शुरू हुई राष्ट्रीय 108 एम्बुलेंस पिछले करीब 8 सालों से दिन रात दौड़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी भी प्रदेश भर में नई करीब 25 एम्बुलेंस को ही सड़कों पर उतारा है। अब प्रदेश सरकार को देखना होगा कि दिन रात पिछले करीब 8 वर्षों से सड़कों पर दौड़ रही एम्बुलेंस की क्या हालत है और इसकी दशा व दिशा को सुधारना होगा ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। वहीं इस सेवा को चला रही निजी कंपनी पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।